युगो युगो से चल रहा है मैं, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल, ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष आज का राशिफल बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपको जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैं 10 वर्ष की आयु से ही अपने पूजनीय पिता श्री गुरु रजनी शिष्य जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो कैसे रहेंगे आज आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से आज आपको सावधान रहना है, जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। आज 25 अप्रैल 2020 दिन शनिवार, वैशाख मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज द्वितीय तिथि सुबह 11:51 तक रहेगी और उसके पश्चात तृतीय तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त जो भी किसी भी कार्य को करने का एक शुभ मुहूर्त होता है सुबह 11:53 से लेकर 12:45 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल सुबह 9:02 से लेकर 10:41 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। प्रिय भक्तगणों, मैं जो आपको ये डेली राशिफल बताता हूँ ये आपके चंद्र गोचर पर आधारित संकेत मात्र है। आप इनके हिसाब से अपने दिन की प्लानिंग कर सकते हैं, परंतु उसमें देश काल और परिस्थिति की प्लानिंग को भी साथ में जोड़कर ही आप अपने दिनचर्या की जो दिशा है उसको निर्धारित करें। प्रिय भक्तगणों, यदि आप में से किसी ने भी हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन दबा के हमारे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं और हमारी इन वीडियोस को लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। यदि आप सरकारी नौकरी की आकांक्षा रखते हैं और आज इस दिशा में कोई कदम उठाते हैं तो आपको उसके उत्तम फल प्राप्त होंगे। स्टूडेंट्स भी अगर आज हायर एजुकेशन करने का सोच रहे हैं तो यह विचार आपके लिए शुभ होगा। और आज आपको हायर एजुकेशन कहां से करनी है और किस फील्ड में करनी है इसकी प्लानिंग स्टार्ट करनी चाहिए। यदि आप तीर्थ यात्रा की योजना बना रहे हैं तो अभी उसके लिए समय शुभ नहीं है। आज आपकी तीर्थ यात्रा में अड़चनें उत्पन्न हो सकती हैं और अपनी तीर्थ यात्रा का पूर्ण फल भी आपको आज नहीं मिलेगा। आज आपका गृहस्थ जीवन पूर्णतः खुशहाल रहेगा और अपने पार्टनर को खुश करने के प्रयासों में आप उनका दिल जीत पाएंगे। आज आपको अवश्य ही अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाना चाहिए और साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए। जो भी लोग अपने स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं और इस संदर्भ में अपनी फैक्ट्री डालकर उत्पादन शुरू करना चाह रहे हैं आज उनके लिए दिन शुभ है। आज उनके कार्यों में कोई भी अड़चन उत्पन्न नहीं होगी और अपनी फैक्ट्री डालने के संबंध में आपको सरकार की ओर से समस्या के लिए उपायों को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हमसे कंसल्ट करने के लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी जिसका उपयोग हमारे द्वारा समय समय पर यज्ञों महायज्ञों के आयोजन करने में, हर मंगलवार और हर शनिवार को प्रसाद वितरण करने में और लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन प्रदान करने में उपयोग में आती है। सभी अनुमति मिल जाएंगी और आपकी फैक्ट्री की फाइल्स भी पास हो जाएंगी। यदि आपको ऐसा लगता है कि जो भी कार्य आप शुरू करना चाह रहे हैं उसमें अड़चनें आ जाती हैं और आपका काम बीच में ही अटक जाता है और भाग्य मंदा होने से आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और मुझसे यानी कि स्वामी राजर्षि से अपनी कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे आपका भाग्य चमक उठेगा और कभी भी जीवन में आप कोई भी अड़चनें नहीं फेस करेंगे। वृश्चिक राशि वालों, अगर आप अपने प्रेम संबंधों में प्रेमी प्रेमिका के बीच में कोई भी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं
तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित पुखराज की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से आप विघ्न विनाशक गणपति बप्पा मौर्या की कृपा के पात्र बन सकते हैं और वे सदैव हर मुश्किल स्थिति में आपकी और आपके परिवार की सहायता करके आपके सभी विघ्नों का क्षमा कर सकते हैं। आज गणपति बप्पा को प्रसन्न करने के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग करें। यो मोदक सहस्त्रेण यजति स वांछित फलम वापयति। मैं आपके लिए इस मंत्र को दोहराने जा रहा हूँ। यो मोदक सहस्त्रेण यजति स वांछति फलम वापयति। यदि आप इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक करते और इस मंत्र का 11 बार जाप करते तो निश्चित तौर पर गणपति बप्पा मौर्या की आपके परिवार पर कृपा बनी रहेगी। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूँ। मेरा नाम संगीता सिंह है। कहाँ रहते हो? दिल्ली शास्त्री नगर। गुरु जी ने मुझे बताया था रिंग्स के लिए, मैंने 3 साल पहले वो रिंग्स बनवाई थी तो उसका मुझे अच्छा इफेक्ट हुआ था। 1 महीने बाद मुझे असर दिख गया था। उस टाइम पे मैं थोड़ा नहीं कहूँगी, बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम में थी, लेकिन उसके बाद 1-1.5 साल मैंने बहुत अच्छा टाइम देखा। मतलब जब मैं आई थी यहाँ पर तो कर्जा था मेरे ऊपर, लेकिन उसके बाद मैंने 1-1.5 साल में जब जो रिंग्स बनवाई थी गुरुजी के थ्रू तो उसका अच्छा इफेक्ट हुआ था, कर्जा भी उतरा। प्लस उस टाइम पे मैं गुरुजी से ये पूछने आई थी कि गुरुजी मेरा मकान कभी होगा अपना? अभी मैं अपना मकान खरीद लिया है मैंने, मैंने कई जगह जाकर देखा ऐसे, लेकिन मुझे कहीं विश्वास नहीं हुआ। यहाँ पर क्या है कि धोखा नहीं लगा सबसे बड़ी चीज, और झूठ नहीं है। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।